धीरे धीरे हारे बादल धीरे हारे बादल धीरे। वो ऐसे गीतकार थे जिनकी एक पुकार पर देश के नौजवानों भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने को तैयार रहते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनकी आवाज से अंग्रेजी हुकूमत भी थर्राती थी और उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहती थी। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने। बाद के वर्षों में उन्होंने जो गीत लिखे उन्हें सुनकर देश के प्रधानमंत्री तक रो पड़े थे और देशवासी आज भी द्रवित हो जाते हैं। ए मेरे वतन के लोग जरा। उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे और 50 साल से भी पहले लिखे उनके गीतों और भजनों के बिना आज भी कोई राष्ट्रीय पर्व या दिवस पूरा नहीं होता। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे महान कवि व गीतकार को सरकार ने कभी कोई सम्मान या पुरस्कार तक नहीं दिया। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का। इस गीतकार को अपने गाने की रॉयल्टी शहीदों की विधवाओं को दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था। जो शहीद हुए हैं उनकी जराया। कौन थे वो महान कवि जिन्होंने साहित्य और संगीत के जरिए देशवासियों में सद्भावना और देश प्रेम की अलख जगाई। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संसद। लेकिन उन्हें सरकार और बॉलीवुड ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी और मेरा नाम है शिवानी। इस कालजयी गीतों को भला किसने ना सुना होगा, चाहे कोई राष्ट्रीय पर्व हो या धार्मिक उत्सव। इन गीतकार के गीतों की धूम हर जगह आज भी वैसे ही मचती है जैसे दशकों पहले मचती थी। ये गीत है कवि प्रदीप के, जिन्होंने अपने गीतों से न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन में जोश भरा बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देशवासियों को देश प्रेम और नैतिकता का संदेश दिया। आइए डालते हैं इन महान गीतकार के जीवन और संगीत के सफर पर एक नजर। कह न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश में उज्जैन के छोटे से कस्बे बड़नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई इंदौर और रतलाम से की। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी काव्य लेखन एवं हिंदी काव्य वाचन में उनकी विशेष रुचि थी। कवि सम्मेलनों में भी वो खूब दाद बटोरा करते थे, जहां उन्होंने अपना नाम प्रदीप रख लिया। उनकी कविताओं को खूब वाहवाही मिलती थी। टूट गई है माला मोती बिखर चले। उन्हीं दिनों इलाहाबाद में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ था। इस गोष्ठी की अध्यक्षता राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी और गोष्ठी में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, रमा शंकर, शुक्ल रसाल, पद्मकांत सरीखे, दिग्गज रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। इसी गोष्ठी में 20 वर्षीय तरुण कवि प्रदीप ने अपने सुरीले काव्य पाठ से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन हिंदी जगत को एक नया सितारा मिला। कमाल तो तब हुआ जब लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका माधुरी के फरवरी 1938 के अंक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवि प्रदीप पर लेख लिखकर उनकी काव्य प्रतिभा पर मुहर लगा दी। हालांकि 1929 में उन्होंने लखनऊ में अध्यापन के लिए कोर्स किया और अध्यापक भी बन गए, लेकिन कविता तो उनकी सांसों में बसी थी और वो नौकरी छोड़कर कविता में लीन हो गए। प्रदीप जी के एक पड़ोसी के लड़के की तबीयत खराब थी जो मुंबई में रहते थे। उनके साथ वो लड़के को देखने मुंबई गए तो मलाड़ के एक मोहल्ले में उन्होंने कविता पाठ किया। अगली सुबह बॉम्बे टॉकीज के मैनेजर की कार उनके दरवाजे पर खड़ी थी। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। उन्हें देविका रानी के सामने ले जाया गया।
देविका रानी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्ती मानी जाती थी। उन्होंने युवा प्रदीप के सामने कलम कागज रखकर कहा, तालाब के पानी में अपना पैर डालकर बैठी हुई एक लड़की अपनी प्रेमी का इंतजार कर रही है। प्रदीप जी ने तुरंत लिख दिया, हवा तुम धीरे बहो, मेरे आते होंगे चितचोर। बस यहीं से फिल्म जगत को एक सशक्त कलम मिल गई। देविका रानी ने अपनी फिल्म कंपनी बम्बई टॉकीज के बैनर तले बन रही फिल्म कंगन में प्रदीप जी से 4 गीत लिखवाए, लेकिन जब क्रेडिट रोल में उनका नाम लिखने की बारी आई तो मामला उलझ गया। दरअसल उपनाम के साथ उनका नाम बनता था पंडित रामचंद्र नारायण द्विवेदी प्रदीप। नामकरण करने में माहिर देविका रानी ने कहा, इतना लंबा नाम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रदीप काफी है। इसके बाद लोग उन्हें पंडित प्रदीप या कवि प्रदीप कहकर बुलाने लग गए। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा, चल हुआ को। प्रदीप जी की गायिका भी असरदार थी। देविका रानी ने पहली फिल्म में ही उनकी आवाज में एक गीत रिकॉर्ड किया। बाद के वर्षों में HMV ने उनकी आवाज में गैर फिल्मी गीतों का एक एल्बम भी जारी किया। सन 1940 की बात है, स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। कवि प्रदीप अपनी कविताओं से देशवासियों में जागृति पैदा कर रहे थे। फिल्म बंधन में उनके द्वारा लिखे गीत चल चल रे नौजवान ने आजादी के दीवानों में नया जोश भरने का काम किया। क्रांतिकारियों के लिए यह गीत तो एक तरह से एंथम बन गया और प्रभात फेरियों में यही गीत गाया जाने लग गया। इस गीत ने भारतीय जनमानस पर जादू कर दिया। सिंह और पंजाब की तत्कालीन विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी और इसे विधानसभा में गाया जाने लग गया। बलराज साहनी ने इस गीत को लंदन BBC से प्रसारित करा दिया था। यह गीत सन 1946 में नासिक विद्रोह के समय सैनिकों का अभियान गीत बन गया था। उसी दौर में कवि प्रदीप का एक और गीत अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन रहा था, जो था सन 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का गाना। आज हिमालय की चोटी से हमने फिर ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो। कवि प्रदीप का यह गीत अंग्रेजी सरकार पर सीधा प्रहार था। अंग्रेजी सरकार ने कवि प्रदीप की गिरफ्तारी का वारंट निकाला तो वह भूमिगत हो गया। हिंदुस्तान हमारा है। सन 1947 में देश आजाद हुआ तो कवि प्रदीप देशभक्ति कविताएं लिखने में जुट गए। वर्ष 1954 में प्रदीप का फिल्म नास्तिक का गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान ने उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इसी फिल्म का एक और गीत अरे पत्थर के भगवान भी बेहद चर्चित हुआ। अरे पत्थर के भगवान तू है कहाँ, तेरी दुनिया में लग जाएगा। एक दिन निर्देशक सत्य सेन बोस से मुलाकात हुई तो उन्होंने कवि प्रदीप से गांधी जयंती पर एक गीत लिखने को कहा। कवि ने लिखा, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के। 1955 में आई फिल्म जागृति में इस गीत ने लोकप्रियता का कीर्तिमान रच दिया। इस फिल्म को उस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि इस गीत पर आगे चलकर विवाद भी हुआ जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। उस दौर में इस फिल्म के और कई गीत बेहद लोकप्रिय हैं। एक था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हालांकि यह फिल्म गांधीवादी विचारों पर बना था। दूसरा गीत था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे। एक और गीत जो लोगों के दिल को छू गया था वो था माँ के प्रति बेटे के मासूम प्यार से भरा गाना। कवि प्रदीप का खुद भी उनकी माँ से गहरा लगाव था। बाद के वर्षों में उनके माता पिता की लुटेरों ने हत्या कर दी थी तो वो लंबे समय तक सदमे में रहे थे। 1955 में ही आई फिल्म वामन अवतार में उन्होंने जो भजन लिखे थे वो आज भी घर घर में गाए जाते हैं। मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। उनकी फिल्म यात्रा लंबी है और हमेशा राष्ट्र समाज या ईश्वर को समर्पित रही। उन्होंने अपने गीतों के जरिए उस वक्त हिंदी की पहचान स्थापित की जब इंडस्ट्री में उर्दू और फारसी का बोलबाला था। उनके गीतों में मानवता के प्रति संदेह छिपे होते थे। 1959 में उन्होंने फिल्म पैगाम के लिए जो गीत लिखा था वो आज भी राजनेताओं की सार्वजनिक सभाओं में गाया जाता है।
1962 में कवि प्रदीप ने वो कालजयी गीत लिखा जिसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू आ गए। वो गीत था ए मेरे वतन के लोगों। इस गीत को कवि प्रदीप ने 1962 के भारत चीन के युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए लिखा था। भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों के परिवार के सहायतार्थ दिल्ली में 26 जनवरी 1963 को एक संगीत संध्या का आयोजन हुआ। रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया। सुनकर पंडित नेहरू रो पड़े। जो शहीद हुए जब कवि प्रदीप ने इन आंसुओं का कारण पूछा तो वो बोले, सन 1962 में चीन के साथ अचानक युद्ध हुआ। हमारी सेना को पूरी तैयारी करने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि सेना के पास बर्फ में पहनने वाले कपड़े और जूते तक नहीं थे, इसलिए बिना लड़े ही कई सैनिक की हिम समाधि बन गई। नेहरू जी बहुत संवेदनशील इंसान थे। गीत सुनकर उन्होंने इस दर्द को महसूस किया। लता मंगेशकर की आवाज की करुणा उनको भिगो गई और वो रो पड़े। उस समय सी रामचंद्र और लता जी में बातचीत बंद थी। प्रदीप जी के अनुरोध पर लता जी ने यह गीत गाना स्वीकार कर लिया। गीत संगीत और सुर के बेहतरीन संगम ने एक इतिहास रच दिया। आश्चर्यजनक बात ये थी कि इस खास मौके पर कवि प्रदीप को आमंत्रित तक नहीं किया गया था। हालांकि तब मीडिया में इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना हुई थी। इस कार्यक्रम के करीब 6 महीने बाद पंडित नेहरू की मुलाकात एक कार्यक्रम में कवि प्रदीप से हुई। उन्होंने कवि प्रदीप को बुलाया, प्यार से उनका हाथ थाम कर बोले, प्रदीप जी मैं वही गीत आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। प्रदीप जी ने वह गीत सुनाया। यह गीत खरीदने के लिए फिल्म जगत के कई बड़े फिल्मकार ने कवि प्रदीप से संपर्क किया। वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। कवि प्रदीप ने कहा, मैं उस गीत को नहीं बेच सकता जिसके चारों तरफ प्रधानमंत्री के आंसुओं की झालर लगी हुई है। उन्होंने यह गीत HMV म्यूजिक कंपनी को इस करार के साथ सौंप दिया था कि इससे प्राप्त धनराशि युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार को दी जाएगी। म्यूजिक कंपनी की ओर से कब कितनी धनराशि शहीदों के परिवार को मिली, इसका जवाब पाने के लिए प्रदीप जी की बेटी मितुल प्रदीप ने लंबी लड़ाई लड़ी। अंततः मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने 25 अगस्त 2005 को संगीत कंपनी HMV को युद्ध विधवा कोष में 10 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया। कवि प्रदीप का पारंपरिक जीवन सुखमय था। उनका विवाह मुंबई निवासी गुजराती ब्राह्मण चुन्नीलाल भट्ट की पुत्री सुभद्रा बेन से 1942 में हुआ था। विवाह से पूर्व प्रदीप जी ने अपनी पत्नी से एक प्रश्न पूछा था, मैं आग हूँ क्या तुम मेरे साथ रह सकोगी? सुभद्रा बेन ने इसका बड़ा माकूल जवाब दिया, जी हाँ मैं पानी बनकर रहूंगी। इसका निर्वाह उन्होंने जीवन भर किया। मुखड़ा देख ले प्राणी दरा दर्पण में हो। 1950 में विला पार्ले में 700 गज का प्लॉट खरीदकर 70,000 रुपए में उन्होंने शानदार बंगला बनाया। यह बंगला साहित्यकारों व मित्रों के स्वागत के लिए सदैव खुला रहता था। साहित्यकार अमृतलाल नागर 6 महीनों तक इस बंगले में रहे थे। प्रदीप दंपति दो पुत्रियों सरगम और मितुल के अभिभावक बने। 1969 में जब वो संबंध फिल्म के गाने लिख रहे थे, तभी उनके माता पिता की हत्या हो गई। कहा जाता है कि तब उन्होंने जितने भी गाने लिखे उनमें एक अकेलापन झलकता था। कवि प्रदीप ने अपने जीवन में 2 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में सैकड़ों गाने लिखे, जिनमें देशभक्ति गीत सहित धार्मिक गीत भी लिखे थे। इसमें से कई गानों को कवि प्रदीप ने खुद भी गाया। उनके गाए गीतों में से आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की काफी मशहूर हुआ। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यह गाना 1964 में आई फिल्म जागृति का था और आज भी काफी लोकप्रिय है। 70 के दशक में बनी फिल्म जय संतोषी मामे भी प्रमुख गीत उन्हीं की आवाज में है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। कवि प्रदीप ने हमेशा मूल्यों भरे अर्थपूर्ण गाने लिखे। सस्ते और भोंडे शब्दों वाले
या द्विअर्थी गीतों से उन्हें नफरत थी। अंततः यही कारण रहा कि 80 के दशक के अंत तक उन्होंने गीत लिखने बंद कर दिए। वर्ष 1987 में आई फिल्म दिल जला में उन्होंने एक बेहद भावपूर्ण गीत लिखा था। यह गीत दो आवाजों में अलग अलग गाया गया है। फीमेल वर्जन जहां लता मंगेशकर की आवाज में है, वही मेल वर्जन किशोर कुमार ने गाया है। इतने वर्षों के हिस्से में मात्र एक सम्मान आया और वह था दादा फाल्के पुरस्कार। उन्हें अपने अंतिम समय तक हमेशा यह अफसोस रहा कि भारत सरकार ने उन्हें कभी कोई सम्मान नहीं दिया और ना ही कोई पुरस्कार दिया। इसे महान कवि की प्रतिभा और देशभक्ति का अपमान ही माना जाएगा। वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कवि प्रदीप के गीत दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल के बोलों पर आपत्ति जताते हुए एक बयान दिया था, जिसके मुताबिक कवि प्रदीप ने गांधी जी के लिए जो गीत लिखा था वो आजादी के लिए प्राण देने वाले शहीदों की कुर्बानी का अपमान है। जब कवि प्रदीप के परिवार वालों ने इस बयान पर आपत्ति जताई तो विजयवर्गीय ने माफी मांग ली। अपने गीतों से फिल्म जगत का मान सम्मान बढ़ाने वाले कवि प्रदीप ने 11 दिसंबर 1998 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके गीत और उनकी कविताएं हमें वर्षों तक प्रेरणा देती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप कवि प्रदीप के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर साझा करें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी।